नमस्कार, मैं हूं रिद्धि आपके साथ और आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए अब नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। गढ़चांदूर में शराब की दुकान के सामने महिलाओं ने दूध बांटकर किया आंदोलन। गढ़चांदूर नगर परिषद द्वारा मंजूरी दी गई शराब की दुकान प्रभाग क्रमांक 5 में 7 दिनों पहले शुरू की गई थी, जिसका विरोध करते हुए महिलाओं ने इस शराब की दुकान को स्थानांतरित करने का लगाया नारा और इस परिसर से दुकान हटाने के संबंध में जिलाधिकारी तथा संबंधितों को दिए निवेदन। भद्रावती में 13 वर्षीय नाबालिग बालिका का 24 वर्षीय युवक ने किया विनय भंग। एक महीने से लगातार पीछा कर रहा था यह युवक और मांग रहा था बालिका से फोन नंबर। पीड़िता परिवार के साथ पहुंची पुलिस थाने और कर दी शिकायत दर्ज, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी को तुरंत कर लिया गया है गिरफ्तार। ब्रह्मपुरी में बाघ ने चरवाहे पर हमला कर किया गंभीर रूप से घायल, तो कुछ ही समय बाद बैल पर भी हमला कर बनाया अपना शिकार। 40 वर्षीय गंगाराम तिवाड़े यह आवल गांव के रहवासी है, जो अपने जानवरों को चरवाने के लिए ले गए थे। इसी दरमियान झाड़ियों में छुपकर बैठे बाघ ने अचानक हमला किया, जिसके बाद जख्मी चरवाहे पर इलाज चल रहा है। साकोली में दुपहिया से जा रहे शिक्षक की ट्रक के पहियों में आकर हो गई दर्दनाक मौत। शालिग्राम बहेकार यह साकोली के रहवासी थे, जो दोपहर के समय मुंडी पार से स्कूल जाने के लिए निकले थे, किंतु सराटी जंगल परिसर में राष्ट्रीय महामार्ग पर वाहन अनियंत्रित होने से हुआ हादसा, जिसमें ट्रक के पहियों के नीचे आकर शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। पालकों की अनुपस्थिति में 3 युवकों ने घर में घुसकर 16 वर्षीय युवती का किया विनय भंग। आरमोरी के चामोर्शी मालगांव में घटी यह घटना, जहां पीड़िता और पीड़िता की छोटी बहन घर में अकेले होने का फायदा उठाते हुए तीनों आरोपियों ने घर में घुसकर करनी चाहिए जबरदस्ती, जिसके बाद पीड़िता की बड़ी माँ और बड़े पिताजी भागकर आने पर आरोपी हुए फरार। इस घटना की शिकायत दर्ज करते ही तीनों आरोपियों को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। ठाकरे बिल्डर्स चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरेवाड़ी में ये ए विंग है, ये बी विंग है, ये सी, डी और ई विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलिशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरे बाड़ी में जो एक क्लब हाउस है, उसमें आउटडोर के गेम्स के अलावा इंडोर गेम। ठाकरे बाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जिले में लगातार बढ़ रहे गुनाहों को देखते हुए विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने किया आरोप। जिले में शराबबंदी उठने के बाद गुनाहगारों को मिल रहा है बढ़ावा, जिसके चलते विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने इस संबंध में जांच पड़ताल करने हेतु समिति गठित करने की है मांग। गढ़चिरौली के चामोर्शी में पुलिस थाने के 2 रिश्वतखोर पुलिस कर्मियों को ACB ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। एक मामले में शिकायतकर्ता से गाड़ी जब्त न करने तथा कार्रवाई से बचने के लिए मांगे थे 10,000 रुपए, जिसके बाद शिकायतकर्ता से 8,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए दोनों पुलिस कर्मियों को ACB ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। कोल्हापुर में कनेरी के माधव नगर एकता कॉलोनी में रहने वाले 32 वर्षीय पति द्वारा अपनी पत्नी का गला दबाकर खून करने की है खबर। 28 वर्षीय पत्नी के चरित्र पर पति को था शक, जिसके चलते पति ने पहले पत्नी की हत्या की और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या करने का किया प्रयास। समय पर रस्सी टूटने से आरोपी पति की बची जान, जिसके बाद आरोपी पति को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार।
देवगढ़ में तिरलोट गाँववाड़ी में एक 52 वर्षीय महिला की कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लेने के पश्चात हुई मृत्यु। वैक्सीन लेने के कुछ समय बाद महिला नीचे गिर पड़ी, जिसके बाद महिला को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला का पोस्टमार्टम किया गया है, तो वही रिपोर्ट आने पर ही इस महिला के मृत्यु के कारणों का सही पता चलने की है जानकारी। 17 सितंबर शुक्रवार देश के प्रधानमंत्री का विरोधी पक्ष द्वारा मनाया गया जोरदार जन्मदिन। राष्ट्रीय बेरोजगार दिन के रूप में मनाया गया यह दिन, जहां बाबूपेट में आम आदमी पार्टी द्वारा सुशिक्षित बेरोजगारों के साथ मिलकर हर चौक में बांटे गए गाजर, तो वही युवक कांग्रेस के सुशिक्षित बेरोजगारों ने 1 से 10 रुपए में बेची अपनी डिग्रियां। सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में इतनी खबरें, फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।